हानिकारक हो जाता है। तो ज्वर के समय अग्नि मंद होती है, दोष का पाचन हो इसके लिए, अग्नि बढ़े इसके लिए थोड़ा गुनगुना पानी पिए तो अच्छा रहता है। और सामान्य रूप से कुछ और बातें पानी के लिए एक श्लोक मिलता है कि किस स्थिति में पानी पीना क्या होता है। तो श्लोक है, जब हमारे को अजीर्ण हो, अपच हो, भोजन पका नहीं है, कोई पच रहा है वो भी, अथवा कभी अधिक खा लिया है या बेसमय खा लिया है, कोई और बात हो गई, समय पे भी खाया, मात्रा भी ठीक है लेकिन अपच जैसा लग रहा है, अजीर्ण लग रहा है, तो उस समय में पानी पीना औषधि का काम करता है। वो कहते हैं अजीर्णे भेषजम वारी, वारी कहते हैं जल को, और अजीर्ण का मतलब है ठीक ना पचा हुआ हो जिस समय भोजन, जीर्ण कहते हैं पक गया है। जीर्ण हम वृद्ध को भी बोलते हैं, जीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया है, या जीर्ण का मतलब है जो भोजन पक गया है, पच गया है, ठीक तरह पच गया है। लेकिन जब भोजन ठीक नहीं पचा हो, जिसको हम अपच भी बोलते हैं लोक व्यवहार में, ऐसा कभी लगे भोजन अधिक हो गया, गरिष्ठ था और यूं लग रहा है कि पच ही नहीं रहा है, बहुत हमारे को दिक्कत हो रही है, सामान्य स्थिति नहीं है, उस समय यदि हम पानी पीते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, तो ये औषधि का काम करता है। और कोई औषधि ना भी लें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है, हम केवल पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, जब तक अजीर्ण समाप्त ना हो जाए तब तक हम पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा, भले ही भोजन का समय अगला आ गया है लेकिन भोजन नहीं पचा है, कुछ दो चार घंटे और चला सकते हैं, या तो भोजन ना भी करें लेकिन पानी भी केवल पीते रहेंगे तो वो औषधि का काम करता है। तो अजीर्ण भेषजम, भेषज कहते हैं औषधि को, भेष को जो जीत लेता है, रोग के भय को जो जीत लेता है, भेषम रोग भयम जयती इति भेषजम, तो ये रोग के भय को जीत लेता है, रोगों को हटा देता है, अजीर्ण भेषजम वारी, ये बहुत सरल क्रिया है, हम पानी पी सकते हैं। और यदि अधिक चिकनी चीजें खाई हैं, तेल की घी की, तो उस समय गुनगुना पानी पीना ज्यादा अच्छा है, अजीर्ण जल्दी ठीक होता है। अजीर्ण है और उसमें हम एकदम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो आमाशय में और ठंडक हो जाती है, पाचन क्रिया और मंद हो जाती है, आमाशय में रक्त का संचार कम हो जाएगा तो अग्नि मंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बार बार पानी तो पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए लेकिन गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो जल्दी अजीर्ण ठीक होता है, जल्दी ठीक होता है, और ठंडा पियेंगे तो देर लगेगी। तो अजीर्ण भेषजम वारी, अजीर्ण में जल औषधि की तरह काम करता है, और जीर्ण यदि भोजन पच चुका है और तब हम पानी पीते हैं तो कहा जीर्ण वारी बलप्रदम। भोजन पच चुका है, खाली पेट है, उस समय भी पानी पीना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भोजन पक गया और पानी पी रहे हैं तो कहा कि वो बल को देता है। अब सामान्यतः हम बल का अर्थ क्या लेते हैं, जैसे दूध पिया तो उससे बल आता है, फलों का रस लिया उससे बल आता है, छाछ पी उससे बल आता है, ये ऐसे पेय होते हैं। लेकिन पानी में तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे हमें बल मिले या ऊर्जा मिले, पानी एक ऐसा पेय है जिसका ना तो कुछ पाचन होता है और ना उससे कोई बल मिलता है, हमारे को कोई ऊर्जा नहीं मिलती, कैलोरी नहीं मिलती है उससे, सामान्य अगर पानी है उससे कोई ऊर्जा हमारे को नहीं मिलती है, कुछ खनिज लवण होते हैं वो उतनी पूर्ति होती है तो होती है, नहीं तो और कुछ नहीं होता है उससे, ना तो उसका पाचन होता है, पाचन के लिए भी कोई रसायन नहीं है अंदर, एंजाइम नहीं है, पाचक रस नहीं है जो पानी को पचाए, उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही हमारे आंतों में अवशोषित हो जाता है, अंदर काम होता है। तो ये दूध की तरह तो है नहीं जो बल प्रदान करे, लेकिन यहां लिखा गया जीर्ण वारी बल प्रदम, भोजन पच चुका है और फिर हम पानी पीते हैं
तो बल को प्रदान करता है। एक स्थिति होती है कि हमें भूख लगी, भोजन पच गया और तत्काल हम भोजन कर लेते हैं, फिर भूख लगी फिर भोजन कर लिया। और एक है कि भूख लग गई हमारे को, भोजन पक गया है पच गया है और फिर भी हम थोड़ा पानी पी रहे हैं, थोड़ा पानी पिया, भोजन नहीं किया अभी, अभी पी लिया पानी। मान लो एक घंटे बाद भोजन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक या दो बार पानी पी लिया, दो घंटे बाद भोजन करते हैं तीन चार बार पानी पी लिया, दो बार पी लिया थोड़ा थोड़ा करके। तो जिस समय भूख लग गई है और भोजन पच चुका है, तब भी अगर हम थोड़ा पानी पीते हैं और भोजन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में ये पानी बल को देने वाला होता है। बल यहां एक विशेष अर्थ के लिए है। तो आयुर्वेद के अंदर बल का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसके लिए एक शब्द आता है बलम ही अलम निग्रहाय रोगाणाम। ये जो बल है ये रोगों को रोकने में समर्थ होता है। बलम ही अलम, अलम मतलब समर्थ होता है, इसमें निग्रहाय रोगाणाम रोगों को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए समर्थ होता है। बल का मतलब यहां ये है, बलम ही अलम। निग्रहाय रोगाणाम, आपने सुना भी होगा हमारे शरीर में रोगों को रोकने की एक सामर्थ्य होती है जिससे हम रोगों से प्रभावित नहीं होते हैं। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उस व्यक्ति को जल्दी जल्दी रोग होने लग जाते हैं। कभी जुकाम होगा, कभी खांसी होगी, कभी दस्त लग जाएगी, कभी उल्टी हो जाएगी, कभी बुखार आ जाएगा, कभी आंखें दुख जाएंगी, आंखें सूज जाएंगी, कभी कुछ हो जाएगा, ऐसे अलग अलग चीजें होती रहती हैं, कभी चमड़ी में खुजली हो जाएगी। लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उनको उसी परिस्थिति में रहते हुए भी रोग नहीं आते। तो जो हमारा रोग को रोकने वाला एक तंत्र है, जो विषाणु जीवाणु बाहर से संक्रमित होते हैं उसको वो रोकता है, प्रभावित नहीं करता है, उनको नष्ट कर देता है। तो ये एक सुरक्षा तंत्र हमारे शरीर में बहुत जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि रोगों को पैदा करने वाले जीवाणु तो सब जगह रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, हमारे सांस से भी जाते हैं, पानी से भी चले जाते हैं, भोजन से भी चले जाते हैं, छूने से भी आ जाते हैं, बहुत तरीके होते हैं। उससे रोकने की जो हमारी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बल कहते हैं। तो जब भोजन के पचने पर भी हम पानी पीने का अभ्यास रखते हैं तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसको हम प्रातःकाल के जलपान के साथ भी जोड़ सकते हैं। सायंकाल भोजन किया, प्रातःकाल उठे तब तक भोजन पच चुकता है, वो रात को ही पच लेता है प्राय। सुबह उठते हैं पेट खाली होता है तो हम पानी पीते हैं, उदर शुद्धि के लिए भी पीते हैं, मूत्र शुद्धि के लिए भी पीते हैं कि खूब अच्छे वेग से मूत्र आ जाता है, शुद्धि हो जाती है, रक्त की भी शुद्धि होती है, आंतों की भी होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल बढ़ जाता है शरीर का। सुबह का भी पान इसमें लाभदायक होता है। और प्रातराश किया, भूख लग गई, भोजन हमारे को आधा एक घंटे बाद में करना है तो थोड़ा एक दो घूंट तीन घूंट ऋतु के अनुसार हमने कुछ पानी पी लिया भोजन से आधा पौना घंटा पहले, वो भी हमारे लिए लाभदायक होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी तरह मध्यान्ह का भोजन किया और वो मान लीजिए 6 बजे तक हमारा पच गया है और भोजन करना है हमारे को 7 बजे, तो 6-6:30 बजे हमने थोड़ा पानी पी लिया, चौथाई गिलास, आधा गिलास, या अगर बीच में ऋतु है तो एक गिलास भी पी लिया, लेकिन भोजन से थोड़ा पहले, एकदम पहले पियेंगे तो अग्निमंद हो जाती है, थोड़ा उसमें समय फिर रखना होता है। तो इस तरह से पानी पीना ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्राय करके पानी हम कब पीते हैं, भोजन किया उसके बाद में कुछ देर से पानी पीने लगते हैं, वही भोजन को पकाने के लिए, ठीक है भोजन है तब तक प्यास लगती रहती है, पीते रहते हैं। लेकिन जिस समय भूख लग गई है, थोड़ी भूख प्रारंभ हो गई है, भोजन पच गया, उस समय भी पानी पीने की प्रवृत्ति हमारी कम रहती है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत हितकर है। तो जीर्ण अवस्था में भोजन के पचने पर पानी पीना बल को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हम कम बीमार पड़ेंगे, औषधियों की कम आवश्यकता पड़ेगी, परेशान कम होंगे, ये भी एक चिकित्सा हो गई।
फिर पानी के बारे में बहुत ही चलता रहता है, अभी भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, पहले पीना चाहिए या नहीं, बाद में कब पीना चाहिए। तो आयुर्वेद भोजन के बीच में थोड़ा पानी पीने को स्वीकार करता है। उसके लिए उन्होंने कहा भोजने चामृतम वारी, भोजन के बीच में जिस समय हम भोजन कर रहे हैं उस समय थोड़ा पानी पिया जा सकता है, बीच में एक बार या एक दो बार थोड़ा थोड़ा सा पानी। और उसमें यह ध्यान रखना होता है कि यदि हमारा भोजन सूखा है, रोटी है, चावल है और सूखी सब्जी है, तरल पदार्थ नहीं है, तो बीच में अवश्य पी लेना चाहिए पानी। कई बार सूखे चने भी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, बिल्कुल सूखी सब्जी होती है, तो ये ध्यान में रखते हुए कि जितना हमारा आमाशय है, पेट है, उसका दो भाग तो हम ठोस चीजों को भर लें, ठोस चीजें हों, एक भाग तरल द्रव्य भी होना चाहिए और एक भाग खाली रह जाए, यानी चौथाई भाग खाली रह जाए, चौथाई भाग तरल हो और दो भाग ठोस का हो। केवल ठोस होगा तो भोजन पचने में दिक्कत आती है, लेकिन यदि भोजन ही हमारा तरल है, पतली दाल है, साथ में और कोई कढ़ी है और तरल चीज है, सब्जी भी है आलू की तो उसमें जल है, तब उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो तो तरल है ही उसके अंदर। तो अपने भोजन को देखते हुए यदि हमें लग रहा है कि सूखा भोजन है तो बीच में पानी पीना चाहिए, ये अच्छा है। नहीं तो एक मान्यता बन जाती है कि भोजन के बीच में तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, पानी पिएंगे तो पाचक रस पतले पड़ जाएंगे तो पाचन ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सूखा सूखा भोजन जाता है वो जम जाता है, इकट्ठा रहता है, तो जो पाचक रस भी आते हैं वो अच्छी तरह घुल मिल नहीं पाएंगे, और थोड़ा पानी रहेगा वो थोड़ा लुगदी जैसा रहेगा, मिल जाएगा आसानी से थोड़ा पानी, तो पाचक रस आके सब तरफ अंदर भी जाएंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर रह जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कोई बच्चे वगैरह होते हैं, जल्दी जल्दी भोजन खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, रोटी घट्ट सी होकर के बड़े बड़े अंदर चले जाते हैं, और कई बार वो उल्टी करते हैं तो वो बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं यूं के यूं। वो क्यों होता है? वो पानी की कमी है, वैसे चबाया भी नहीं और बस वो जमा रहता है, तो वो पचता नहीं है अच्छी तरह से, घुल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए या चबाते समय भी, और थोड़ा सा पानी पिया जा सकता है। और उसका दूसरा लाभ ये भी है कि बीच में पानी पीते हैं तो फिर भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है। प्रारंभ में हम भोजन करते हैं तो अधिक स्वादिष्ट लगता है, थोड़ी देर में उसका स्वाद कम हो जाता है। जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं हैं, जो स्वाद को हमारे को संवेदन देती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये रस है, उसके ऊपर एक छोटी सी परत आ जाती है। भोजन करते हैं चिकना चिकना होता है, चबता है, एक पतली परत आ जाती है, लेयर आ जाती है, तो जो उसकी संवेदना होनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो जब हम पानी पीते हैं, एक दो घूंट पानी पी लिया, तो वो जो परत आ गई है भोजन की चिकनी, वो थोड़ी साफ हो जाती है, उससे जो स्वाद कलिका है वो फिर उभर आती है, मतलब उससे सीधा भोजन का संपर्क होता है तो हमें अधिक स्वादिष्ट लगता है भोजन। तो भोजन को विकास को स्वादिष्ट लगना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भोजन को हम स्वाद से करेंगे तो पाचक रस अच्छे निकलते हैं, पाचन अच्छा होता है। जो मन को इधर उधर लगा करके भोजन करते हैं तो रस कम आता है, तो पाचन भी उनका खराब हो जाता है। तो यही बात एक इस परत से भी होती है, तो थोड़ा सा पानी जब हम पी लेते हैं तो जिह्वा थोड़ी साफ होती है और भोजन हमें और स्वादिष्ट लगता है। तो भोजन के बीच में अगर हम पानी पीते हैं तो ये अमृत का काम कर, ये हानिकारक नहीं है, उतने अंश में लाभदायक है। और अंत में कहा भोजनांते च, भोजन के अंत में पीना चाहिए या नहीं, तो कहा भोजनांते च विषप्रदम, भोजन करने के बाद भी पानी पीने की कईयों की बहुत इच्छा होती है, भोजन किया बीच में भी पी लिया, लेकिन जैसे ही भोजन किया तो उस फिर आधा एक गिलास दो गिलास पानी गटगट करके पीते हैं, क्योंकि पहले पानी पिया नहीं है, कम है, कमी है, भोजन के समय भी नहीं हुआ, फिर प्यास बढ़ जाती है, भोजन करते हैं लार निकलती है, कुछ और आवश्यकता अनुभव होती है तो गटगट करके और पानी पी जाते हैं, एक आदत होती है,
तो भोजन के अंत में यदि पानी पीते हैं तो विष का काम करता है। अब पानी के अंदर विष नहीं है, जैसे यहां पानी में कोई बल देने वाली चीज नहीं थी लेकिन फिर भी वो बल देता है, कैसे, वो एक अलग प्रक्रिया है। इसी तरह से भोजन के अंत में जब पानी पीते हैं तो पानी में तो कोई विष मिला हुआ नहीं है लेकिन उससे विष उत्पन्न होता है। और यहां विष का मतलब है आयुर्वेद के अंदर आम को विष माना गया है, जो मैं पहले आपके सामने चर्चा कर रहा था कि वात पित्त कफ जब आम से युक्त तो होते हैं तो साम हो जाते हैं और वो रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो भोजन के अंत में पानी पीने से अग्निमंद हो जाएगी, अग्निमंद होगी तो भोजन ठीक तरह नहीं पचेगा, अधपका रहेगा, अधपका रहेगा तो आम बन जाता है, कच्चा रस बनता है, वो उस कच्चे रस को आयुर्वेद में विष कहते हैं। तो भोजन के अंत में पानी पीने से विष को वो बनाता है यानी आम पैदा करता है और वो फिर हमारे कई रोगों का कारण बन सकता है। तो भोजन और इस सब की दृष्टि से खासतौर से भोजन के लिए ही है, क्योंकि जीर्ण और अजीर्ण और भोजन और भोजनांत ये उसी से संबंधित है। एक और बात कही जाती है कि यदि हम अधिक पानी पियेंगे तो भी भोजन नहीं पकता है और कम पानी पीते हैं तो भी भोजन नहीं पकता है। तो इसके लिए अग्नि भी बढ़ती रहे और पानी भी हमारा पीते रहे। अधिक पानी पिया तो अग्निमंद हो जाएगी एकदम से और कम पानी पिया तो भोजन ढंग से नहीं पचेगा। तो इसलिए अग्नि को बढ़ाने के लिए उन्होंने उपाय बताया कि मुहुर मुहुर वारी पिबेद भूरी, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पिए। एक है कि दो गिलास एक साथ पी लिया कि अब एक घंटे बाद में पीऊंगा, दो घंटे बाद में पीऊंगा, एक साथ जो हम पी लेते हैं उसकी जगह अगर ठंडी की ऋतु है तो आधा गिलास पौना गिलास, गर्मी है तो ठीक है एक गिलास पी लिया, एक साथ दो तीन चार गिलास पीने की अपेक्षा थोड़ी थोड़ी देर में 15-20 मिनट आधा घंटे बाद में हम पानी ले लें, वो ज्यादा अच्छा है। तो एक श्लोक है इसी के लिए, अत्यंबु पानात न विपच्यते अन्नम, अत्यधिक पानी पीने से भोजन पचता नहीं है, और निरंबु पानाच तथैव दोष है, पानी नहीं पीते हैं तो भी भोजन ढंग से नहीं पचेगा। तस्मात वन्नी विवर्धन आए, अग्नि को बढ़ाने के लिए मुहुर मुहुर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में, गर्मी है तो 15-15-20-20 मिनट में पी सकते हैं, आधा आधा घंटे में पी सकते हैं, और सर्दी है तो पौन एक घंटे में पी सकते हैं। वन्नी तस्मात वन्नी विवर्धन आए मुहुर मुहुर तस्मान नरो वन्नी विवर्धन आए मुहुर मुहुर वारी पिबेद अभूरी, भूरी कहते हैं अधिक को, कम करना चाहिए। और पानी के विषय में एक विशेषता आयुर्वेद के अंदर भी संकेत मिलता है, आजकल भी लोग ध्यान देते हैं, वो कहते हैं श्रित शीतम जलम पिबेत, गरम करके ठंडा करें, श्रित शीतम जलम पिबेत, गरम करके ठंडा किया हुआ जल पिए सामान्यतया कहा, क्योंकि जल से बहुत सारे संक्रमण होते हैं, खराब भी होता है, तो जैसे कई बार रोगियों को बताते भी हैं कि भाई उबाल के ठंडा करके पिए, क्योंकि हमारे मनुष्यों के अंदर जल से होने वाली व्याधियां भी बहुत होती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं केवल जल के कारण से। भारत के केरल प्रांत में एक परंपरा है कि वहां गर्म करके ही पानी पीते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, गर्म करते समय कुछ उसमें औषधियां डालते हैं, बाजार में मिलते हैं वो अलग अलग तरह के औषधियों के चूर्ण वो पैकेट मिलते हैं, खूब प्रचलन है घरों में, वो पका करके ही पीते हैं पानी। तो पानी से होने वाली बीमारियां केरल में सबसे कम होती हैं भारत में, उल्टी हो गई, दस्त हो गया, पेट दर्द हो गया, जल की अशुद्धि से बहुत सारे रोग होते हैं तो वहां केरल में ये बहुत कम होते हैं। तो ये केरल में आयुर्वेद की परंपरा अधिक प्रचलित है, जन सामान्य में चिकित्सा भी होती है बहुत और जन सामान्य में आयुर्वेद काफी प्रचलित है, उसकी बातें वो एक हमारे सामने उदाहरण है। तो ये अच्छा है कि हम पानी को शुद्ध पिए, आजकल जैसे शुद्ध जल आ जाते हैं यंत्रों से शुद्ध किए हुए, वो भी एक तरीका है, उसको भी हम पी सकते हैं, लेकिन पानी कहीं भी कैसा भी पी लेना ये हमारे को सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी कैसा हाथ डाल रहा है घड़े के अंदर, गिलास रखा हुआ है उसको पकड़ा, आए पकड़ा बिना हाथ धोए उसी को अंदर डाला, और हाथ में संक्रमण है कीटाणु है वो गिलास में लगेंगे और वो पानी में चले जाएंगे,
तो हमेशा एक गड्ढू होना चाहिए जो पकड़ने वाला होता है, या तो कैन में बंद हो पानी जैसे आजकल चलता है, संक्रमण नहीं हो। और हम कभी हाथ भी डालने पड़े तो हाथ धो करके और फिर उस पानी को करें, नहीं तो अनजाने में हम पाप कर लेते हैं। हमने असावधानी रखी, अशुद्धि रखी, फिर उस पानी को कोई पिएगा वो रुग्ण होगा, बीमार होगा, तो हम कारण बने उसमें, हमारे को भी पाप लग जाता है अनजाने में। तो इस बात का ध्यान रखना है। और कहीं ऐसा घड़ा रखा हो, एक गिलास है, कोई भी आया हाथ उठाया और पी रहा है, कोई भी आया मुंह लगा के पी रहा है, वहां पानी नहीं पीना चाहिए। जहां तक हो सके उससे बचें, स्वच्छ जगह पे ठीक तरह से जहां पानी रखा हो वहीं पर ही हमारे को पानी पीना चाहिए। तो कुछ बातें पानी के बारे में रखी। आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो मेरी कई भी बातों में से पूछिए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। जी, जैसा कि हमने विज्ञान में पढ़ा है कि एक स्वस्थ मनुष्य को दिन में 3 लीटर से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जी इसके बारे में जरा कुछ बताइए। ठीक है, इतना पानी पी सकते हैं ऋतु के अनुसार, और थोड़ा शरीर के और हमारा भोजन कैसा है उसके अनुसार 1-2 लीटर कम होता है, लेकिन इतना पानी हमें ले लेना चाहिए। और कई बार हम दूध अधिक लेते हैं, उससे भी हमारी तरल की पूर्ति हो जाती है। कोई छाछ पीता है, अधिक छाछ लेते हैं, तो ऐसे में सीधा पानी अधिक पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस स्थिति में हो सकता है कोई दिन में 1 या 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी पिए, बाकी पूर्ति उसको दूध, छाछ या फलों के रस से हो रही है, लेकिन ऐसे इतना द्रव जाना चाहिए हमारे अंदर, वो ठीक बात है। प्रातःकाल भी जो पीते हैं उसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी, 1 लीटर 1.5 लीटर 2-2 लीटर पूरा भर के पीने को भी कहते हैं, अपनी अनुकूलता देख सकते हैं। नहीं तो कम से कम 1 गिलास तो पीना ही चाहिए, और 2 गिलास भी आप पीते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो सुबह 1-1.5 गिलास पी लिया, फिर आधा 1 घंटे बाद में फिर पी लीजिए। एक है कि एकदम पी लिया और हमारा पेट भारी हो रहा है और थोड़ा बेचैनी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ना पिए। फिर पानी बहुत पी लिया, फिर आधा घंटे 1 घंटे बाद में फिर वो नीचे जाएगा, आगे निकलेगा, तब हमारे को थोड़ा धैर्य आएगा, नहीं तो हम घूमते रहेंगे बेचैन होकर के। इतना नहीं पीना चाहिए। पी लिया फिर आपको और पीना है, आधा 1 घंटे बाद में वो फिर नीचे चला जाता, फिर 1 गिलास पी लिया, फिर 1 गिलास पी लिया, 2-3-4 बार पी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर। कुछ ओम आचार्य जी, जब खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी सकते हैं? उसकी आवाज बढ़ा दीजिए। आचार्य जी, भोजन करने के बाद तुरंत दूध पी सकते हैं? नहीं पीना चाहिए। कभी ऐसी स्थिति है, मान लीजिए दूध गर्म है तो लिया जा सकता है, मान लो कहीं जैसे गुरुकुलों में होता है वो दूध भी साथ में होता है, वो तो हम रोटी के साथ भी ले लेते हैं, तो पिया जा सकता है। अगर उसमें हमारा भोजन का वो थोड़ा विरुद्ध आहार की दृष्टि से भी है कि भोजन में अगर नमक है, खट्टी चीजें हैं, दही आदि है, तो उस समय तो दूध ना लें, वो ठीक है, तो विरुद्ध पड़ता है। और यूं दूध लिया जा सकता है, अगर आप थोड़ा गर्म दूध ले रहे हैं, गुनगुना ले रहे हैं, लेते हैं। वैसे दिन के अंदर तो छाछ ठीक है, भोजन के अंत में छाछ पीने का विधान है, वो ले सकते हैं। और रात्रि में है तो कई बार हम दूध से ही रोटी खाते हैं, और भोजन भी सूखा है तो उसमें बीच में भी ले सकते हैं, दूध साथ में ले सकते हैं, यूं आपत्ति नहीं है। उसमें दूध के साथ जिन जिन का विरोध है वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ये विषय मैं आगे लूंगा विरुद्ध आहार का, तब दूध किस भोजन के साथ दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आगे बात आएगी। कुछ एक उधर दे दीजिए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, पित्त प्रकृति वाले को ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी? ठंडा पीना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले को? पित्त प्रकृति वाले को, पित्त उष्ण होता है। अजीर्ण में? हाँ, अजीर्ण की स्थिति में तो वो भी पी सकता है, तो कम ठंडा, थोड़ा ठंडा पी ले वो, बहुत ज्यादा ठंडा पिएगा तो नहीं, तो फिर विपरीत पड़ेगा, वो अपनी गर्मी शांत करने के लिए बहुत ठंडा पिएगा तो अग्नि मंद हो जाएगी। अजीर्ण है इसका मतलब है अग्नि तो मंद है, प्रकृति भले ही पित्त है लेकिन अग्नि मंद तो उसकी भी हो जाती है, तो उस स्थिति में भी वो कम गुनगुना ले सकता है। वात प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वाले अधिक गर्म गर्म भी पी सकते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी। पित्त प्रकृति वाला कम गर्म ले ले, अथवा सामान्य तापमान पे जैसा है वैसा पानी ले ले, ऐसा। पूछिए। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, प्रातः काल में एक राजीव भाई जी जैसे बताते थे कि बिना मुंह धोए, बिना कुला किए डायरेक्ट पानी उसापान कर लेना चाहिए,
फिर बाद में आचार्य श्री ने भी कहा कि हमने कुछ आयुर्वेद में मिला नहीं, सत्यता क्या होगी? आयुर्वेद के अंदर तो इस तरह का मेरी जानकारी में नहीं आया कि इस तरह का कोई उल्लेख हो, लेकिन कई जने ऐसा बोलते हैं कि बिना मुंह धोए करना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से मेरे को तो यही समझ है कि साफ साफ करके उसका औषधीय उपयोग अलग है, ये थूक वगैरह के हम जो आंखें आ जाती हैं, घाव होता है, चमड़ी के रोग हैं इत्यादि में उसका वो एक औषधीय प्रयोग एक अलग बात हो गई, लेकिन वैसे हमें शुद्ध करके ही जल लेना चाहिए। दीजिए। प्रणाम आचार्य जी। रात्रि भोज सोने के समय में पी सकते हैं पानी? पी सकते हैं, बैठिए। और एक उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि कई बार अधिक पानी रात को सोते समय पी लेते हैं, बीच में फिर कई बार उठना होता है, ऐसा नहीं हो, और लघुशंका करके ही सोएं तो। लेकिन सोने से पहले गर्मी है और आप पी करके सो रहे हैं तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो कई बार सोते से पहले नहीं पीते हैं तो रात को प्यास के कारण भी नींद खुल जाती है, और सर्दी है तो हम आधा एक घंटा पहले भी पी लेते हैं तब भी सो जाते हैं, तो कोई बाधा नहीं होती, आपत्ति नहीं है, रात को सोने से पहले पानी पीने से आपत्ति कोई नहीं है, रोग नहीं है कोई। हम और भोजन के बाद गर्म पानी पी सकते हैं? गर्म पी सकते हैं। भोजन के बाद ये विशेष ध्यान रखना है कि जब चिकना भोजन किया हो, गरिष्ठ भोजन किया हो, तो तब खासतौर से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बाद में भी आधा पौना घंटे एक घंटे बाद भी पानी पीते हैं तो जिस समय गरिष्ठ भोजन किया है तो गुनगुना पानी ठीक है, और एकदम फ्रिज वाला ठंडा पानी पियेंगे, बहुत मटके का भी बहुत ठंडा पियेंगे और गरिष्ठ भोजन भी कर रखा है तो भोजन पचने में दिक्कत आएगी। आपके बगल वाले जो है, मेरा थोड़ा अलग बात था, जो पानी का बारे में मुंह नहीं धो के पीने के लिए, मैं आज तक तो कभी गर्म पानी नहीं पीता हूँ, सुबह भी नहीं पीता, दिन भी नहीं पीता हूँ, लेकिन जो उषा पान है मुंह नहीं धो के जो पीता हूँ आचार्य जी का बात सुनने का बाद, स्वामी जी का बात, तो मेरा पेट का प्रॉब्लम अभी तक भी नहीं है, आज तक कभी भी नहीं ले, लेकिन 3-4 लीटर पानी पीता हूँ सुबह, लगभग 800-700 ml के 1 लीटर पी लेता हूँ मुंह नहीं धो के, फिर बीच में खाना का 1-2 घंटा बाद पीता हूँ, फिर रात को सोने का पहले पीता हूँ, इसी हिसाब से पेट साफ होता है। ठीक है, उसमें कोई गर्म पानी को भी जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनको ऐसा रुग्णता है आवश्यकता है तो उसमें जल भी ले सकते हैं, उसमें बात नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल है, आपको इसमें अनुकूलता है आप लीजिए उसको। इधर कौन थे पूछिए। जी, हमने आयुर्वेद में एक जगह पढ़ा था कि जब भूख लगे तो जल नहीं पीना चाहिए, जब प्यास लगे तो वो भोजन नहीं करना चाहिए, प्यास लगे तो भोजन नहीं करना चाहिए, उससे क्या जाता? जी देखिए, वो एक स्थिति के लिए है कि हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है और हम पानी पानी पीते हैं तो अग्नि तो उस समय मंद होती है, लेकिन यदि हमें ये पता है कि भोजन हम 1 घंटे बाद में मिलना है, हमारे को भूख हमारे को 6 बजे लग गई है, भोजन 7 बजे मिलना है, तो आप 6 बजे जल पियेंगे उससे अग्निमंद नहीं होगी, 6:15 बजे 6:30 भी जल पियेंगे, थोड़ा जल पियेंगे तो अग्निमंद नहीं होगी, उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये तब है कि हमें भोजन करना है और भोजन के थोड़ी देर पहले 5-10-15 मिनट पहले ही कोई प्यास लग रही है तो बहुत पानी पी लिया उसने तो अग्निमंद हो जाती है, फिर भोजन के लिए दिक्कत होती है, उन विशेष स्थितियों के लिए मना है, लेकिन आप अगर 1.25 घंटे पहले पीते हैं ये स्पष्ट है ही ना निर्देश, जीर्ण होने पर भी पानी पिया जा सकता है और ये बल को बढ़ाता है, उपवास काल में भी ये प्रक्रिया चलती है, हम भोजन नहीं ले रहे हैं लेकिन पानी पीने को तो कहा जाता है ना, भोजन पच गया है फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, दिन भर पीते हैं, नींबू के रस के साथ पीते हैं, शहद के साथ पीते हैं, ये सारा का सारा पिया जा सकता है, लेकिन भोजन के तत्काल पहले कोई पीने लगे वो नहीं करना चाहिए, और प्यास और भूख दोनों लगे हुए हों तो पहले प्यास को थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए, भोजन बाद में करना चाहिए। तो इस विषय को अब इतना ही रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ
सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।